उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना अधिक श्रद्धालु आ गए हैं, जिसके चलते यात्रा में अधिक दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अभी तक यात्रा के दौरान 11 श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसको लेकर हमारे द्वारा लगातार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन 14/5 का कपाट 12 मई को खुला। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो ऑनलाइन के अलावा हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी। और ये रजिस्ट्रेशन 8 तारीख से प्रारंभ हुआ था और 14 तारीख तक कुल मिलाकर ऋषिकेश में 76,120 और हरिद्वार में 66,251, कुल मिलाकर 142,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर हम दर्शन की बात करें तो कुल मिलाकर 276,416 यात्रियों ने अभी तक यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। केदारनाथ जी का हुआ है 1,26,306, ये 3 या 4 दिन के फिगर हैं, तो आप जान सकते हैं कि कितने अधिक संख्या में हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये हमारे उत्तराखंड इस देवभूमि का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। जहाँ पिछले वर्ष जब 22 अप्रैल 2023 को कपाट खुला था, तो यमुनोत्री धाम में पहले दिन 6,838 यात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया था, और इस वर्ष जबकि पहले दिन यहाँ कपाट खुला है तो 12,193 यात्री थे, लगभग दुगनी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुँचे थे। इसी तरह से मैं भी ये फिगर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, हर धाम की ये स्थिति रही। जैसे केदारनाथ जी में पिछले वर्ष मैं अगर कंपेरिजन करूँ तो केदारनाथ धाम में 18,335 यात्री पिछले वर्ष थे ओपनिंग डे पर, और यहाँ पहले ओपनिंग डे में थे 29,000, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ होती हैं।